हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 59 श्लोक का चर्चा करेंगे। तो ये जो चल रहा है 58 से 63 श्लोक तक, स्थित प्रज्ञा सेंस कंट्रोल, स्थित प्रज्ञा अपने सेंस को या जीवन मुक्त आत्मा वो कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संयम करता है, उसके बारे में चर्चा है। तो 58 श्लोक हम इससे पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि कैसे जो है एक स्थित प्रज्ञा अपने इंद्रियों को कछुआ जैसे जो है अपने सेल में जो है वो अपने इंद्रियों को रख देता है, अपना हाथ पैर को सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार जो है एक स्थित प्रज्ञा अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। तो आज दूसरे अध्याय का 59 श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि एक्सपीरियंसिंग ए हायर टेस्ट, जब एक हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करता है तो जाके जो है फिर वो जो 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 लोअर टेस्ट को भूल जाता है। तो श्लोक इस प्रकार है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हो सकता है कि कुछ इंद्रिय भोग को वो ना करे किसी कारणवश, लेकिन वो जो इच्छा है उसको भोग करने की जो इच्छा वो बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। इच्छा तो बनी रहती है लेकिन अगर जैसे उसको हायर टेस्ट मिलता है, उत्तम रस मिलता है, तो फिर वो क्या करता है कि एक तो वो कार्य को बंद कर देता है और फिर भक्ति में स्थिर रह पाता है। इसका मतलब अगर वो इंद्रिय भोग कर रहा है तो फिर वो भक्ति में स्थिर हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। जबरदस्ती जो है कोई अगर कहेगा कि मैं सेंस कंट्रोल करूं बिना हायर टेस्ट लिए तो दैट इज इम्पॉसिबल। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की जो विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। कोई अगर जबरदस्ती भी इंद्रिय संयम करने के लिए जो कहा जाता है तो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार कभी कभी कुछ बीमारी में हमें कुछ चीज़ परहेज कराया जाता है। लेकिन परहेज तो कराया जाता है लेकिन उसके प्रति जो भोग करने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग है, तो मधुमेह रोग में चीनी या शुगर मीठा चीज़ हम उसको उसके लिए परहेज है, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती मजबूरी में उसको वो खा नहीं पाता है मीठा चीज़ को, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा है, उसको भोग करने की जो इच्छा है, जो खाने की जो इच्छा है, वो इच्छा तो बनी रहती है। कभी अगर डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बात नहीं आप जितना चाहे रसगुल्ला खा सकते हैं या गुलाब जामुन खा सकते हैं तो तुरंत वो जो है ना जंप करेगा उसको खाने के लिए है? तो इसलिए ये जो इंद्रिय संयम के लिए जो अष्टांग योग की जैसी विधि संस्तुति की जाती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो है धारणा ध्यान इत्यादि ये सब सम्मिलित है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, भगवान कृष्ण के जो सौंदर्य है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनका लीला है, उनका नाम है, इसका जो रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षित के लिए ही है। जो नवदीक्षित है उनके लिए ये सब प्रतिबंध है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और
क्यों? क्योंकि ये प्रतिबंध करने से वो आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे उसके अंदर रुचि जागृत होगा, और जैसे ही रुचि जागृत हो जाएगी तो फिर जो है वो स्वतः ही ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाता है, उसको फिर प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मतलब उसको अरुचि हो जाएगा। ये जो है इस प्रकार के इंद्रियों भोग के प्रति, तो यही है कि जब जो एक योगी है उस योगी का जो त्याग उस योगी का जो त्याग है इसलिए है, मतलब एक योगी अगर कुछ चीज़ को त्याग करता है वो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है कि हायर टेस्ट को वो जो है रिलीज करता है, अर्थात उच्चतम रस को वो आस्वादन करता है। और जिस प्रकार जो है पिछले श्लोक में कहा गया था कि एक कछुआ अपने इंद्रियों को ना सिकुड़ लेता है और जब ज़रूरत पड़ता है निकलता है, तो उसी प्रकार एक वैष्णव क्या करता है कि ज़रूरत नहीं है तो अपने इंद्रियों को खींच लेता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो वो इंद्रियों को अगर बाहर निकालता है तो किस लिए निकालता है? सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए वो निकालता है। और इसके आगे फिर 60 से 63 नंबर में भगवान बताएंगे कि अर्जुन जो प्लान कर रहे हैं कि कर्म से संन्यास लेने के लिए और जंगल में जाने के लिए, तो ये बहुत ही विपद है, तो उसके आगे चर्चा चलेगी। तो आप लोगों को कुछ ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपको आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भगवद्गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। हरे कृष्णा।